हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुणाल शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ईसीई डिप्लोमा 5th सेमेस्टर। तो मैं इसमें पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, आपको डेली कुछ ना कुछ वीडियो मिलती रहेंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी। तो इसको आपको फॉलो कर सकते हैं आप इस पूरी प्लेलिस्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कम्युनिकेशन कोई भी हो सकता है, जैसे कि एक पॉइंट से लेके दूसरी पॉइंट तक जो भी कोई बातचीत हो रही है, इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है इंफॉर्मेशन का, तो इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि ये भी कम्युनिकेशन है, मैं आपको वीडियो बोल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हो, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की। जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूजेस ऑप्टिकल फाइबर एज ए ट्रांसमिशन और चैनल। अब जो बीच में, जैसे आपने पता होगा, बेसिक लोडरम होता है जो कम्युनिकेशन का होता है, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर, भेजने वाला और मीडियम जो उसको प्रोवाइड करता है और जो रिसीव करता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जो हमारा चैनल या ट्रांसमिशन होता है, वो ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से होता है। जो इट इज़ ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जो इन्फॉर्मेशन हमारी कैरी करती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, वो लाइट की फॉर्म में कैरी करती है। इससे होता क्या है कि जो हमारी बैंडविड्थ होती है वो बहुत ही इनफाइनाइट हो जाती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। इसके अंदर लॉसेस भी बहुत कम होते हैं, और जो लाइट की स्पीड होती है उसी से वो ट्रैवल करती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड के क्रम से। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के लिए। और जो ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट ट्रैवल करती है वो TIF नॉर्म बेस होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, उसके बारे में बाद बताएंगे। इसके बाद करते हैं एडवांटेजेस ऑप्टिकल फाइबर के। सबसे पहले तो हमारा ये आ गया वेरी हाई बैंडविड्थ। इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। दो एफ सी मतलब द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, दो एफ सी यूज लाइट एज द कैरियर हैविंग द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 10⁻¹³ हर्ट्ज़ टू 10⁻¹⁶ हर्ट्ज़, विच इज प्रोवाइड्स अ वेरी हाई ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें जो बैंडविड्थ होती है बहुत हाई होती है, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 10⁻³ हर्ट्ज़ टू 10⁻¹ हर्ट्ज़ के बीच में होती है। सेकेंड हमारा लार्ज इन्फॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी। जो इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है बहुत ही हाई होती है इन्फॉर्मेशन की। द इन्फॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द बैंडविड्थ। अच्छा, सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज़्यादा वो कैरी कर पाएगी इन्फॉर्मेशन, मीडिया कुछ भी है जो भी है। तो जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना हमारा फायदा है, उसके अंदर प्रोसेस इतने कम होते हैं। सो इन्फॉर्मेशन कैपेसिटी इज लार्ज। थर्ड पॉइंट है वेरी स्मॉल साइज एंड वेट। वेरी स्मॉल साइज एंड वेट, द डायमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जस्ट कंपेरेबल विद द ह्यूमन हेयर, एंड ऑल्सो द वेट ऑफ द ओ एफ सी ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी लो एज कम्पेयर विद द कॉपर केबल। मतलब इसको कह सकते हैं जो डायमीटर ऑप्टिकल फाइबर का है वो हमारे बाल के बराबर है, जो ह्यूमन का एक हेयर होता है उसने इतना पतला है वो इसका डायमीटर के हिसाब से। और क्या है, द वेट ऑफ ओ एफ सी इज वेरी लो एज कम्पेयर विद द कॉपर केबल। इससे पहले हमारे जो कम्युनिकेशन में काम आती थी हम उसको लेते कॉपर केबल्स को लेते थे। कॉपर केबल में हमारी ट्रांसमिशन दूर तक नहीं आ पाती थी, उसके लिए हमें अलग अलग लाइन चलनी पड़ती थी। लेकिन ओ एफ सी हमारी इतनी बैंडविड्थ हाई होती है कि हम एक ही चैनल के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर बहुत सारे मीडिया प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसका ये फायदा भी है। और द इम्यूनिटी टू इंटरिंग इंटरचेंज क्रॉस टॉक। द ऑप्टिकल फाइबर मेड फ्रॉम ग्लासेस मटेरियल्स, हेंस दे आर वेरी फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है भाई ये इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब कोई भी नॉइज वगैरह जो अनवांटेड नॉइज कहते हैं, उसके अंदर वो लॉसेस नहीं होते जो नॉइज बाहर से, जैसे कि ये ऑप्टिकल फाइबर होती है इसके ऊपर बहुत सारी कवरिंग होती है, तो कोई चांस कम बहुत कम होते हैं कि इसके अंदर कोई डिस्टोर्शन वगैरह या नॉइज वगैरह अनवांटेड साउंड आए, सराउंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिफ्थ हमारा इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। द फाइबर आर मेड फ्रॉम इंसुलेटिंग मटीरियल, हैज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्पार्किंग। ठीक बात है, कोई इसके अंदर स्पार्किंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो हमारा जो ये बना होता है इंसुलेटिंग मटीरियल से बना होता है। सिक्स पॉइंट है लो ट्रांसमिशन लॉसेज। ट्रांसमिशन लॉसेज भी बहुत कम होते हैं, ट्रांसमिशन लॉसेज वेरी लो एज कम्पेयर टू कॉपर केबल्स, 0.2 dB/km अप्रोक्स और लेस। एट्थ है सिग्नल सिक्योरिटी। ओके, हियर वी गो। इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर द टैपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर विद कॉपर केबल्स। इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर द टैपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर विद कॉपर केबल्स। एट पॉइंट है हाई रिलायबिलिटी, ड्यू टू लो ट्रांसमिशन लॉसेज एंड लेस नंबर ऑफ रिपीटर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ये वही बात है मैंने आपको बताया कि आप एक लाइन के ऊपर बहुत दूर तक भेज सकते हैं, इनफाइनाइट बैंडविड्थ है, इसके आपको बहुत फायदे मिलते हैं। फॉर डिस्टेंस कम्युनिकेशन द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम एज रिलायबिलिटी एंड लॉन्गर लाइफ।
ये जल्दी से खराब भी नहीं होती क्योंकि इसके हम अंडरग्राउंड इसको दबा देते हैं, इसलिए बहुत फायदे होते हैं इसके। 8 किलो 9 किलो लो कॉस्ट OFC केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर मेड फ्रॉम ग्लास एंड ग्लास इज मेड ऑफ सिलिका विच इज़ फाउंड इन लार्ज क्वान्टिटीज इन ऑर्डिनरी सैंड डेट इज़ रॉ मटेरियल। मतलब हमारे पास ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, इसकी कोई कमी नहीं आने वाली है रॉ मटेरियल, क्योंकि ये ग्लास से बना होता है। 10 पॉइंट है लो वोल्टेज करंट रेटिंग आर रिक्वायर्ड फॉर ऑफ ड्यू टू द यूज ऑफ LED डायोड एक्सेट्रा। इम्यून टू मॉइस्चर, नो इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन एक्सटीरियर हैज को, सही बात है, उस मॉइस्चर का फर्क ही नहीं पड़ने वाला क्योंकि कवरिंग इतनी ज़्यादा होती है, कीचा कवर होती है, ऊपर भी कवरिंग नहीं कर पाते थे इतनी। आर अफेक्टेड बाई मॉइस्चर रेनी सीजन। अब बात कर लेते हैं, ये हमारे जो हमने बात करी थी और इसे इसकी एडवांटेजेस थी, अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसकी, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ FC, डिसएडवांटेजेस मतलब कि जो इसके नुकसान वगैरह हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द FC, मतलब कि एक बार जब इसको हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास जो हमारी कॉस्ट आती है प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि तो अगर रोड खोदने पड़ते हैं, सेटअप करना पड़ता है, वायर महंगी आती होगी है, तो ये हमारा जो जो सेटअप की का कॉस्ट है ना, जो हमारी जो हमें पहली बार लगानी पड़ती है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इसकी। OFC कॉस्ट इज हाई देन कॉपर केबल्स, हाई कॉस्ट, अच्छा जो कॉपर केबल से कंपेयर करें तो इसकी जो कॉस्ट है वो हाई है, जो सिंपल सी बात होनी ही है। थर्ड, डिफिकल्ट टू जॉइंट ऑप्टिकल केबल्स एज कम्पेयर टू कॉपर केबल्स, हाँ ये बात भी। इसमें जो जॉइंट, जैसे कि मान लीजिए कहीं से कट गई केबल या कोई भी वहाँ पर दिक्कत आ गई, तो इसको जहाँ पे जॉइंट लगाना है वो थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू कॉपर केबल्स। मतलब कॉपर केबल में मुश्किल होता है, लेकिन जो OFC में होता है ना वो ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू कॉपर केबल्स। 4 पॉइंट है स्किल्ड ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, इसको जिसको इसकी नॉलेज होगी या कुछ इसने एक्सपीरियंस होगा वो इसका काम कर सकते हैं, इसलिए इसको हमें स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए इसके लिए। टूल्स एंड मशीन यूज इन ऑप्टिकल आर कॉस्टली, भाई वो कॉस्टली है तो उसकी मशीन कॉस्टली होगी, सिंपल सी बात है, जो भी इसके ठीक करने के लिए टूल वगैरह मशीन वगैरह होती है वो कॉस्टली पड़ जाती है। 6th, स्विचिंग एंड रूटिंग इज नॉट ईजी, इसमें स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए आपको। 8th, OFC सिस्टम आर अन क्या भाई है, अनप्रूवन, प्रूव नहीं कर रखे ये सिस्टम, ठीक है भाई। एप्लीकेशंस, अब बात करते हैं, हमने डिसएडवांटेजेस देख ली हैं, बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। सबसे फर्स्ट पॉइंट है OFC आर यूज्ड इन हाई EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एरियाज, फॉर एग्जांपल पावर जनरेशन सिस्टम अलोंग द रेलवे ट्रैक्स टू कैरी सिग्नल विदाउट डिग्रेडिंग इट। मतलब सिग्नल घटानी चाहिए जब तक एंड तक पहुँच नहीं रहता, तो इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं दूर ट्रांसमिशन के लिए, इसके अंदर बैंड भी ज़्यादा होती है, लाइट में कोई जो सिस्टम होते हैं वो इससे वो इफेक्ट ही नहीं है, लोसेज होने के चांस बहुत कम है, तो उसके जो सिग्नल हम देते हैं वो एंड तक पहुँच जाता है बिना किसी एम्पलीफिकेशन वगैरह के। सेकेंड पॉइंट है यूज इन ऑयल एंड गैस सिलेक्टर सेक्टर, जो हमारे ऑयल के और जो गैस के सेक्टर होते हैं वहाँ पे भी OFC बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। रिफाइनरी, बिकॉज नो चांस ऑफ स्पार्किंग, क्योंकि स्पार्किंग की चांस नहीं है, लाइट में स्पार्किंग नहीं हो सकती, इसलिए कोई चांस नहीं है। अगर मान लीजिए गैस में सिलेंडर वगैरह में वहाँ पे कोई स्पार्किंग हो जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए वहाँ पे भी हमें OFC यूज़ करनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट है इन लैंड वैन लॉन्ग डिस्टेंस टेली कम्युनिकेशन सिस्टम ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज आएगा यहाँ पे। फोर्थ, टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर भी OFC का यूज होता है, टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर सारा काम इसी काम पर होता है, अगर आपने ट्रेनिंग ली होगी तो आपको बताओ टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में। 5th, ब्रॉडबैंड सर्विसेज, केबल TV सिस्टम एक्सेट्रा। 6th, हाई सिक्योरिटी एप्लीकेशन लाइक बैंकिंग, मिलिट्री, यहाँ पे सिक्योरिटी हमें टाइट चाहिए, वहाँ पे भी हम OFC का यूज़ करते हैं, लेकिन OFC के बहुत ज़्यादा यूज हैं, आप देखेंगे कि आप हर फील्ड में आपको OFC के यूज़ मिलने वाले हैं। अपने जो ब्रॉडबैंड में आता है वो इथरनेट केबल होती है, लेकिन ये OFC है। 8th, इंटरनल वायरिंग, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, स्पेसशिप, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। 9th है मेडिकल फील्ड लाइक एंडोस्कोपिक, एंडोस्कोप में भी यूज़ होती है। 10th, नॉन कम्युनिकेशन एप्स लाइक मेजरमेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, वेट, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब्जेक्ट्स आ गए, तो सब्जेक्ट्स और टॉपिक आ गए सॉरी, तो वहाँ पे भी ऑप्टिकल फाइबर यूज़ हो सकती है। अब 10th पॉइंट है हाई टेक, 10th पॉइंट हाई टेक बिल्डिंग फॉर प्रोवाइडिंग सनलाइट इन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग वेयर नॉर्मली डिज नॉट रीच, वेयर लाइट, जैसे कि जहाँ पे लाइट डायरेक्ट नहीं पहुँच सकती वहाँ पे OFC के हेल्प से हम वहाँ पे लाइट पहुँचा सकते हैं, भी एक तरह का मीडिया ही हो गया ये भी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, आज हमने बात करी है डिसएडवांटेजेस ऑफ OFC,
एडवांटेजेस ऑफ ओएफसी क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। तो आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए और टॉपिक लेने लाता रहूँगा इस रिलेटेड, ओएफसी के रिलेटेड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और फॉलो करते रहिए इस प्लेलिस्ट को। मैंने आज तीन प्लेलिस्ट बनाई है, एक हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बनी है, एक माइक्रोवेव की बनी है, एक ऑप्टिकल की बनी है। अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं किए तो जाके अभी तक चेक कीजिए। और दो तीन मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, चैनल को बढ़ाओ, चैनल को फैलाओ। थैंक्स।